मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपके विभाग से संबंधित एक बड़ी खबर लगातार अभी सामने आ रही है, खासतौर पर अवैध उत्खनन की। हाल ही में सीहोर में भी रेत के अवैध उत्खनन का बड़ी मामला सामने आया है, जिसमें कई रसूखदारों के डंपर भी पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे आप? आप खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई करने में ये नहीं देखा जाता कि कौन व्यक्ति क्या है, और अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध को बर्दाश्त नहीं करना है, और जो वैध परिवहन हो रहा है उसमें सहयोग करना है। क्या समझा जाएगी सर, खासतौर पर क्या ये सिर्फ नर्मदा नदी तक ही सीमित रहेगा या दूसरी नदियों के पास भी जो अवैध उत्खनन चल रहा है उस पर भी रोक लगा जाएगी? आपके गृह जो क्षेत्र रीवा, वहाँ पर भी कई तरह की अवैध माइनिंग चल रही है। नहीं, इस प्रकार की तो कोई अभी जानकारी नहीं है। यदि चलती है कार्रवाई तो पकड़ लिया जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। उद्योग विभाग में कई तरह की बातें कही जाती हैं कि मध्य प्रदेश में कई बड़े उद्योग आएंगे, ये कब तक जो है वो देखने में आएगा, क्योंकि कई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी हुई है, कब तक वो धरातल में दिखाई देगा? आने शुरू हो गए हैं। वैकमेट करके एक कंपनी है जो पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, लगभग 1500 करोड़ का निवेश उन्होंने धार जिले के उज्जैनी में शुरू कर दिया है, और फेज़ वन उनका बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आने वाला है। और पिछले दिनों मोहासा में कोका कोला कर लगभग 700 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें 1500 से 2000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसका भी काम शुरू हो गया है। और कई इस प्रकार के कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंटेंशन टू इन्वेस्ट रजिस्टर कराया था, और बाद में उन्होंने अपना निवेश भी शुरू कर दिया है करना। जी, कई जगह से आवाज़ भी उठ रही कि एक तरफ स्वदेशी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कोका कोला जैसी कंपनियाँ जो कि कहीं ना कहीं जो हमारा वाटर रिसोर्सेज हैं उसका दोहन करती हैं और उसे हमें ही बेच देती हैं, तो इस तरह की कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। देखिए, मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया है उसके अंतर्गत हमने दुनिया भर की कंपनीज को हिंदुस्तान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि जब निवेश यहाँ होगा, पूंजी यहाँ खर्च होगी, तो लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो कुल मिला के सिर्फ देश की कंपनियाँ तो आमंत्रित ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा इंटरनेशनल रोड शोज़ करते हैं हम लोग, न्यूयॉर्क, चाइना, साउथ कोरिया से लेके और यूरोप, हर जगह से मुख्यमंत्री जी गए और लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। हम विदेशों में बनी हुई चीज़ों का उपयोग अपने देश में ना करें, लेकिन यदि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निर्माण प्रोडक्शन कर रही हैं तो उससे हमें कई प्रकार की टैक्सेस के माध्यम से भी बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसलिए ये तो आमंत्रित किया गया, और सारी दुनिया में सभी देशों के बीच में होड़ लगी है। वो हमको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ निवेश करिए, हम उनको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ निवेश करिए, क्योंकि निवेश होता है तो कई प्रकार की फ़ायदे देश को प्राप्त होता है। बिल्कुल, बस एक सवाल ज़रूर यहाँ पर उठता है कि इस तरह की जो शीतल पेय कंपनियाँ हैं, बहुराष्ट्रीय है, वो काफ़ी तादाद में पानी का उपयोग करती हैं, जिससे जो खेती की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, और जो पानी का जो सदुपयोग होना चाहिए, जो पीने के पानी के लिए जो इस्तेमाल होना चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, सरप्लस वाटर जहाँ पर होता है वहीं पर NOC दी जाती हैं, और वहीं पर पानी का इंतजाम उनको मिल पाता है। तो जिस तरह से उद्योग लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पानी की यदि आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, तो उपलब्धता के आधार पर उनको आवंटन होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिंचाई के पानी और पीने के पानी, जनता के पानी की कटौती करके और इनको पानी दे रहे हैं। जहाँ सरप्लस वाटर है वहाँ पर हम इनको पानी भी उपलब्ध कराते हैं और उसे चार्ज करते हैं, यूज़र चार्ज बेसिस पे, उससे हमको रेवेन्यू भी मिलता है। उस वाटर सप्लाई स्कीम को लगाने का भी चार्ज, जैसे यदि आप कोका कोला की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि 50 से 60 करोड़ रुपए वाटर सिस्टम को बनाने में खर्च हुआ है, तो पूरा का पूरा उनसे वसूला गया है, और रेगुलर बेसिस पे भी जो पानी जाएगा उस पर मंथली बेसिस में उनसे चार्ज किया जाएगा। कई हमारे इंडस्ट्रियल एरिया उसमें काफ़ी सिक यूनिट्स हैं, उनके काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी स्कीम है BIRF स्कीम है, जो इस प्रकार की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यूनिट्स हैं, और हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में यदि वो फिट पाए जाते हैं तो उनको हम रिवाइवल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं।
बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे कोई भी रसूखदार हो, खनिज की अगर वो अवैध उत्खनन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक उद्योगों का सवाल है, मध्य प्रदेश में उद्योगों को वेलकम किया जा रहा है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश। कैमरामैन अशफाक के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।